धन इंडिया। अरे क्या कर रहे हो? घर छोड़ के जा रहा हूं। देखो इसे, देखो आने वो जो मेरे जाने के बाद इस घर में आता है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद मैं झूठ बोल दूँ, कैसी औरत हो तुम? मेरी बीवी हो तुम, जिसे कभी मैंने मैंने बहुत प्यार किया। तुम्हें तो घर से निकाल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ परेश, 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 परेश मत जाओ, परेश प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, प्लीज, प्लीज परेश नहीं, नहीं परेश, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, परेश, परेश, मुझे छोड़ के मत जाओ परेश प्लीज। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया परेश। फरीदाबाद दिल्ली की सीमा पर स्थित ये शहर हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। ग्रैंड ट्रंक रोड से सटा ये एक औद्योगिक शहर है, जहां कई देशी विदेशी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। यहीं परेश का भी एक छोटा सा कारखाना था। परेश अपने परिवार के साथ बेहद खुश था, लेकिन आज वो अपना घर छोड़कर जा रहा था। परेश को लगता था कि उसकी पत्नी रजनी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है, जबकि उसकी पत्नी इस बात से साफ इनकार कर रही थी। कौन सच बोल रहा था, कौन धोखे में था, क्या रजनी बेकसूर थी? अगर हाँ तो फिर परेश के पास जो सबूत थे, रजनी के पास उनका कोई जवाब क्यों नहीं था? क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। वरे साहब कारखाना छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, आपके पैसे तैयार है, जब चाहिए आके लेके जाइए। ठीक है रखता हूं। अरे बाइक तो एकदम गंडास है, किसकी है? अबे मैं चला रहा, तुम्हारी है और किसकी है? कहां से और कितने में खरीदी? तू ज्यादा क्वेश्चन ना कर रहा मुझसे, अबे अपनी बेटी भी आनी है मुझसे क्या तने? पहले तू सच सच बता, ये बाइक तेरे पास आई कैसे? तेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि तू इतनी महंगी बाइक खरीद सके। देखे चोर से सट्टा लगाया था मैंने और सट्टा में जीत गया, पैसे थे ना उसके पास, उसकी बाइक खाली। और अब ये दरोगा करीब बंद करा, गड्डी चला, चाबी लगी, इसमें जैकेट पहन। ये ले मैं। अरे मैं क्या कर रहा, ये ले पहन 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 पहन। अरे नहीं 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 रमन तू रहने दे, अब मैं तेरे कारण किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो क्या है ना कि मेरी शादी तय हो गई है। ये बात कर रहा, लड़की पसंद कर ली है, अब मैं किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। शादी करेगा मेरा भाई, अबे शहरा भी पहन लियो, शेरवानी भी पहन लियो और घोड़ी पे भी चल लियो। पहले बाइक पे बैठ, ये ले ले पहन जैकेट पहन। नहीं रमन नहीं पहन, ना कर चल पहन 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 पहन। साड़ी बहुन है रे, साड़ी बहुन है रे, मैं कौन चार जा जब तो चाकू यार जहाँ जुझम जम। ठाकुर साहब ऐसे तो अलमारी में भी ताला लगा करके जा रहे हैं, और बटुआ यहीं छोड़ करके चले गए, घना पावड़ा हो गया लौंडा मारा, अपना तो काम अच्छा ही कर गया। अरे हमारे बंदूक के पर्स में लौंडिया की फोटो, भाभी होगी हमारी। हाँ ठीक है भाई, भाभी का हो गया अब तू मारा नारा, ये हमारा तो यही है। लो ये 10-10 के 100-100 के नोट, अबे खुदा बाहर निकली चुईया, चलो चुईया से ही काम चला लेता हूँ आज। हाँ ऐसा करने पे शक करेगा भाई मेरा, इतने नहीं थोड़ी तो ईमानदारी रख भाई। एक हाँ ये ठीक है, अबे रोक मेरे भाई, पकड़। क्या हुआ? मेरा चश्मा, मेरा हेलमेट, मेरी जैकेट।
रमन फिर फंसाएगा मुझे, आज छोड़ना नहीं इसे। अबे उड़ना, बाइक पे मिल गई। पता था मुझे ये फिर से किसी मुसीबत में फंसाएगा, मेरी मती मारी गई। रमन, रमन कहाँ है तू? अबे क्या हो गया बंधु, पकड़ा गया क्या? अबे रुक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे, अबे, अबे रुक, मेरी बात सुन, बात सुन। तुझे तुझे मजाक लगता है मेरी बात? रुक, पकड़ा जाता ना तो वो लोग तो मुझे कूटते ही, पुलिस भी कूटती। तो भूल गया बे आसान फरामोश, बचपन में जान बचाई थी तेरी, पानी में डूब रहा था, डूबते को बचाया था मैंने। हैं? पुलिस तो दो चार हाथ लात ना खा सकता मेरे लिए, दोस्त बताता है मुझे। रमन ये ठीक नहीं यार, तू जब देखो वही बात कहकर बच जाता है। देख रमन अभी बचपना छोड़, ये दारू जुआ सट्टेबाजी कब तक चलेगा? अरे कोई काम धंधा क्यों नहीं शुरू करता? अरे मैंने कहा ना मैं तुझे पैसे दूंगा। ए भाई, ए ज्ञान के देवता, भाई मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दे तू। भैया भाषण ना पिला, 500 रुपए है तेरे पर, वो दे दे बस। मैं क्या करेगा, फिर से जुआ खेलेगा? अपनी ऐसी तैसी मराऊंगा मैं, हैं? नहीं है पैसे मेरे पास। भाई कल ही दे दूंगा भाई मैं तुझे। अरे मैंने कहा ना नहीं है पैसे मेरे पास। अरे भगवान कसम कल दे दूंगा भाई, मैं कसम सच्ची बता रहा हूँ। अरे दे दूंगा मेरे भाई, मेरी जान है। तू नहीं सुधरेगा। मैं ना सुधरने वाला। उसका चला गया मेरा, वहां रखा तूने। देख शादी से पहले ही बावड़ा हो गया तू, याददाश्त चली गई तेरी, समझा? अरे मैंने पता है भाभी डिसाइड हो गई है, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब पता मुझे। हाँ, अभी तो तू मदद कर दे रहा भाई, पर जब तक तेरी शादी ना हुई ना तभी तक मजे है हमारे। एक बार वो ब्रांड न्यू लुगाई आ गई ना तेरे घर में तो दोस्ती तुड़वा देगी हमारी। रमन तू पागल हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मेरी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है इसे कोई भी आकर तोड़वा। मेरा दोस्त था, है और रहेगा। परेश जहां एक सीधा साधा शरीफ किस्म का इंसान था, वहीं रमन बिल्कुल गैर जिम्मेदार और खुराफाती किस्म था। परेश को लगता था कि रमन हंसी मजाक में ये गलत हरकतें करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि मौज मस्ती के लिए किए गए ये छोटे छोटे कारनामे एक दिन रमन को किसी बड़े अपराध की तरफ धकेल सकते हैं। रमन को डर था कि परेश की शादी होने से उसका खर्चा पानी बंद हो जाए, लिहाजा उसने पहले से ही परेश के मन में शक का बीज बोना शुरू कर दिया, ये कहकर कि बीवियां अक्सर दोस्तों के बीच दूरियां पैदा करती हैं। बहरहाल कुछ हफ्तों बाद परेश की शादी रजनी से हो गई। अब देखना यह था कि परेश के मन में पत्नी का प्यार पनपेगा या शक का बीज। गाड़ी बहुने रे लेके चल ले जब चलता किया क्या आज जमा जम और पानी। अरे परेश मैंने लग रहा परेश घर में है ना, रात को आ जाऊंगा भाभी। खाना खाने है तो अच्छा तो जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं खाने पे। जमा जम हो रही पानी। हाँ जी, माल की डिलीवरी हो जाएगी। जी जी, आप शादी की है तो थोड़ा तो काम बढ़ाना पड़ेगा ना। जी जी जी, वो मोर साहब माल भिजवा देंगे। हाँ जी, ठीक है, रखता हूँ, धन्यवाद। भाई भगवान कसम खाना मजेदार है। भाई बात यो थी, घर में थोड़े प्रॉब्लम चल रही थी,
अगर तू कहे तो एक दो दिन के लिए यहीं ठहर जाऊं। वो कोई बात नहीं भाई, मैं तो भूल ही गया था, तू शादीशुदा हो गया है, मियां बीबी वाला हो गया है, अब तुम लोगों की प्राइवेसी खराब हो जाएगी, अब कबाब में हड्डी का क्या काम है, कोई नहीं। नहीं भाई भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, ये तू मेरा, और भला रजनी को क्या तकलीफ होगी? क्यों रद्दी जी? जी मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखा कहा भाई, दाल बहुत अच्छी बनी है भाई। का। मान जा, मच्छरों सोन दो मने। तुम्हारी ऐसे की तैसी मच्छर? अच्छा खासा घर में सोता, जब से लौंडी आई है सोना हराम हो गया हमारा। रजनी तुम हंसते हुए बहुत अच्छी दिखती। आप ही ना बस सी। माफ करना भगवान जी, माफ करना। हट जा कंबल, जा। एक बात कहूँ? आपका वो जो दोस्त है ना, बड़ा अजीब सा है। मतलब वो कुछ अजीब तरीके से मुझे घूरते रहता है, पता नहीं उसकी नजर मेरी तरफ खराब सी लगती है। पता है आज घर में ना, अजीब, रमन मेरे बचपन का दोस्त है। देखो मैं मानता हूँ कि बीवियों को उनके पतियों के दोस्त कुछ खास पसंद नहीं आते, लेकिन प्लीज रमन। परेश, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो क्या है? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमारी शादी अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुई है, लेकिन अमन उसे मैं बचपन से जानता हूँ, और उसने मुझे डूबने से बचाया, बहुत एहसान है उसके मुझ पर, मुझे उस पर पूरा भरोसा। आइंदा मैं रमन के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, कुत्ता था। रमन के लिए परेश को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, क्योंकि परेश की नजरों में रमन उसका सच्चा दोस्त था, और वो रमन पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, जबकि रमन उसके इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहा था। एक दोस्त दूसरे दोस्त की पत्नी पर गलत नजरें गड़ाए हुए था। कहते हैं महिलाओं के पास एक छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस होती है, जिसके जरिए वो दूसरों की गलत नजर या उनके गलत इरादों को भांप लेती है। रजनी को भी रमन के गलत इरादों का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसके पास रमन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लिहाजा वो चुप रही, और उसकी इसी खामोशी ने इस रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। जमा जम पानी में, जमा जम होरी पानी में, बहुन रे लेक चाल जब। रमन के भाभी,
कहीं गिर गुर गई तो कमर लचक जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अभी तो कुछ किया नहीं बाबी मैंने, अब करूंगा। परेश का दोस्त हूं मैं, अभी बचपन का, अब तक जो भी कुछ खाया भी है ना सब मिल बांट करके खाया, आधा आधा, अपना आधा हक ले रहा हूँ बाबी। दे दो ना बाबी। तो एक हमें कि आपके पास आने को तरस रहे हैं और आपकी नखरे दिखा रही हूँ। अरे अरे क्यों बोंदू से डर रही हो क्या अपने पति देव से? भगवान कसम उसे पता नहीं चलेगा। रजनी मैं वो अपना बटुआ रजनी क्या हुआ परेश? चूहा था भगा दिया, चूहा भाग गया। चूहा था आप बिना बात के घबरा के भाभी भगा दिया। मैं तो समझा कि क्या समझा कि मैं तेरी ये खूबसूरत बीबी को छेड़ रहा हूँ? नहीं डर गया। अरे भाभी तुम तो बड़ी डरपोक निकली, कहा था मैंने तने शादी ना कर, तू माना ही नहीं, चूहे से डर गई। देखो देख तो तू भाभी को मना ले वरना तू भी रोएगा। चल रजनी हाँ करो, तुम भी चूहे से डर गई, चूहा तुम्हें खा थोड़ी ना जाता। आंसू पोछो अपना मुंह ठीक कर। चलो मुझे लेट हो रहा है, कारखाने में बहुत काम है। बटुआ रमन की बदतमीजी और उसके दुस्साहस से रजनी हैरान थी। परेश को वो ये सब समझा नहीं सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि चूंकि उसने रमन की हरकतों का विरोध किया है वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन रजनी की ये सोच बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मैंने यहां भाभी मैं प्यार करने आया भाभी। तो खुश हो जाना चाहिए, खाना खाने के बाद स्वीट डिश फ्री मिल रही है, मजे ले लो भाभी। कैसे फट गया भाभी? अरे नहीं बाबा 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 मुझे डंडा से बहुत डर लगे भाभी। दोस्त बनता है ना, अब मैं परेश को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। रमन जैसे लोग हर उस चीज को हासिल करना चाहते हैं जो ना तो उनकी होती है और ना ही जिस पर उनका कोई हक होता है, फिर रास्ता चाहे सही हो या गलत। और अब रमन अपने जिगरी दोस्त परेश की पत्नी रजनी को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि रजनी को हासिल करना उसके लिए इतना ही आसान होगा जितना कि परेश के बटुए से पैसे निकाल लेना या फिर सड़क पर खड़ी किसी की बाइक को उठा लेना। लेकिन रजनी इरादों की मजबूत थी, उसने तय कर लिया था कि अब वो रमन के अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। रजनी क्या हुआ, तुम कहां जा रही हो? माइक के। लेकिन क्यों? आप मुझ पर भरोसा करो या ना करो पर आज मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए,
आपके बचपन के दोस्त ने मेरे साथ क्या किया? आपके भरोसे का फायदा उठाकर किसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? मुझे पता था, ये सब देखने के बावजूद भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूं। नहीं रजनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। प्रमाण मार भी डालेगा ना तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे अपना दोस्त बोला, तूने मेरे बीच में गंदी लगी। तू है तुझ में, तू ही है मेरे जैसे दोस्त पर। पर भाई, एक हाथ से ताली ना बजे, सोच इस बात को। तू अपने किसी दोस्त के घर पे रह रहा है और वहां उसकी बीबी ये जानते हुए कि उसका दोस्त वहां पर बैठा है, देख रहा है, उसके सामने कपड़े बदल रही है, हाँ जानते हुए कि उसका दोस्त वहां पर बैठा है, उसके सामने कपड़े बदल रही है और होंठ से होंठ काट रही है और मुस्का रही है, पता तने क्या लगेगा है? पता, मैं भी फिसल गया भाई। वो जो चाहती थी भाई वो उसने कर दिया। हम दोनों को अलग करना चाहती थी उसने कर दिया। हम दोनों को लड़ाना चाहती थी उसने कर दिया। देख ले तू, यही हो रहा ना। और क्या दिखाया उसने तेरे को? क्या बताया? कैसे विश्वास दिलाया? अपने ब्लाउज फाड़ा होगा उसने, बोल। दिखाया नहीं दिखाया? मैंने धक्का देने के बाद उसने अपना ब्लाउज खुद फाड़ा था। झूठ बोल रहा है तू? मैंने पता था, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ। बचपन से एक साथ खेले कूदे भाई, साथ में खाना खाया, साथ में सब कुछ किया भाई। आज मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो चार दिन की लड़की सच बोल रही है, है? वो सच बोल रही है ना, सच सुनेगा तू? सुन तू, उसकी पीठ पे किल है, बोला है कि नहीं है? बोलता है भाई, तू अपनी पत्नी को जितना शरीफ समझ रहा ना, वो इतनी शरीफ है ना भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैंने पता है वो खेल ना सकती, मुझसे गलती हुई है, मैंने माफ कर दे भाई। ऐसा कदम खाकर कहता हूँ, तेरा घर में कदम नहीं रखूंगा, मैं कदम नहीं रखूंगा। तुझे पता तेरी बीबी तेरे पीठ पीछे तेरे घर में किक करे है? मेरी बात मान भाई, तू अपने घर में एक भाई रख ले। हाँ भाई, तू अपने घर में एक भाई रख ले, नजर रखेगी तेरी बीबी पे, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और तने खुद पता चल जाएगा भाई। दूध का दूध और पानी का पानी, बाकी तेरी मर्जी भाई। हम जिसकी उम्मीद करते हैं, जब वो चीज नहीं मिलती तो हम किस्मत को कोसने लगते हैं, और जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो फिर ये शक करने लगते हैं कि हमें ये चीज मिली कैसे, क्यों मिली। रजनी सुंदर थी और रमन ने परेश के मन में ये शक डाल दिया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है।
रमन ने परेश के इर्द गिर्द जो जाल बुना था उसमें परेश बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो हर वक्त अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखने लगा, यहां तक कि उसने घर में एक बाई भी रख ली ताकि रजनी किसी भी वक्त अकेली न रह सके। रुको 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 रुको, क्या हुआ? मुंह खोलो। अरे बताओ तो सही, मुंह खोलो। क्या ये प्रसाद है? मंदिर गई थी। अब आप तो पूरा दिन काम में लगे रहते हो, मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चलो ना कोई फिल्म देखने चलते हैं। ना वक्त हो गया है, शादी के बाद एक भी साथ में फिल्म ही नहीं देखी हमने। आज मैं काफी थका हुआ हूँ, फिर कभी। हमेशा खाने ही बना देते हो। छोड़ो, लो फ्रेश हो जाओ आप, आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे शांति, कब से एक ही काम किए जा रही हो? इतना सारा काम पड़ा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली जाती हूँ? तुम सो जाती हो क्या? अब जल्दी से काम निपटाओ और मेरी मदद करो। चलो। बड़ी सती सावित्री बनती है, दिन भर तो घूमते रहती है और भैया जी के आने के बाद तेवर दिखाती है। सिनेमा के टिकट? ये लीजिए, फ्रेश हो जाइए। जिनी वो तुम सचमुच मंदिर ही गई थी? हाँ, साथ में बाजार भी गई थी। माँ ने वो साड़ी दी थी ना, उसकी फॉल लाने के लिए। अब आप तो लेके नहीं जाते हो, मैं खुद ही चली गई। क्यों, कुछ हुआ? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा। के बात है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो दारू ना पी है। पीने नहीं है, तुझसे मिलने आया था। अच्छा बेटा, बीबी से तंग आ गया, झगड़ा कर लिया, दोस्त की याद आ गई। ठीक है ठीक है, बता 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 क्या बात है, बता। तू सही कह रहा था, रजनी को अकेले रहना पसंद नहीं है। उसे जैसे पहले ही पता था कि मैं फिल्म देखने जाने की मना करने वाला। वो पहले ही अकेले फिल्म देख रहा, मुझसे झूठ कहा कि वो बाजार गई थी। इसमें क्या बड़ी बात होगी? दो टिकटें थी, मुझे यकीन है कि कोई साथ में था उसके। तुम्हारा दोस्त सक्की नदी में डुबकी मार रहा। अभी ऐसी ना है, तू शक ना कर। इस शक की वजह से मैंने कई जिंदगियां बर्बाद होते देख ली भाई मैंने। पर दो टिकट? अबे अभी तक तू दो टिकटों पे ही अटका है तू, हैं? भाई टिकटों पे लिखा है लौंडे के साथ गई है कि लौंडिया के साथ? भाई तू शादीशुदा हो चुका है और छोटी छोटी बातों पे अपनी पत्नी पे शक नहीं किया करते। सही कह रहा। हाँ थैंक्स। अरे भाई चेतू, तू ये मूंगफली खा, चल। ये चश्मा
ये तो मेरा नहीं है। आप आ गए? मैंने तो आपको देखा भी नहीं। चाय बना दूं आपके लिए? अरे बात क्या है, अभी आए हैं और अभी बाहर जा रहे हैं। ये मेरा घर, जब मेरी मर्जी होगी आऊंगा और जाऊंगा। आखिर आपको हो क्या गया है? कितने दिन से आपने अपने ठीक से बात तक नहीं की है मुझसे। आपको बताना ही होगा आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। ना ठीक से बात कर रहे, कुछ भी पूछ लो तो उल्टा सीधा जवाब दे देते। आखिर मेरी गलती क्या है? ये मैं आपसे पूछूं, किसी भी रिश्ते में जब शक की दरार आ जाए तो फिर उस रिश्ते की नींव हिलने लगती है, और यही परेश और रजनी के साथ हो रहा है। रजनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उस पर शक करेगा या उस पर नजर रखने लगेगा। वो तो यही सोच रही थी कि परेश काम धंधे की वजह से परेशान है, लेकिन परेश को अब यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ संबंध है। हालांकि परेश का दोस्त रमन दिखावे के लिए उसे झूठा दिलासा दे रहा था, लेकिन मनी मन वो ये सोचकर खुश था कि उसने जो वहम का बीज बोया था वो जड़ पकड़ चुका है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपस में सीधी बातचीत बेहद जरूरी है, और यही परेश से सबसे बड़ी गलती हुई। उसने इस बारे में रजनी से कभी सीधे सीधे बात ही नहीं की। क्या परेश जैसा सोच रहा था वही सच था? क्या रजनी उसे धोखा दे रही थी? अब ये सवाल रह रहकर परेश के दिमाग में चुभने लगे, और फिर एक दिन उसकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ कि उसका शक यकीन में बदल गया। शांति, मैं दो मिनट बात करती हूँ। क्या हर टाइम फोन पे ही लगी रहती हो? काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा है और तुम फोन पे लगी हो। तुम निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूं। लेकिन भाभी जी, कोई जरूरत नहीं, जाइए। ये शांति से झगड़ा क्यों कर रही है? अगर इतना ही शौक है तो कर लो। उसे भगा क्यों थी? इसलिए भगा दी क्योंकि इसके इसके आशिक के आने का समय हो गया। अरे आप कारखाने से इतनी जल्दी आ गए? हटो सामने से। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? वही जिसे तुमने छुपा के रखा, यकीन पकड़ा दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? परेश यहाँ से भगा दिया ना उसे, इसीलिए दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा। किसे भगा दिया? बढ़ने की कोशिश मत करो, मैंने खुद मुझे अभी घर के अंदर आते देखा है। कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, जिसके साथ मंदिर जाने के बाद तुम फिर देखने जाती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। परेश तो यही अपने आशिक के साथ मोहब्बत का खेल खेला जा रहा था। परेश बस, क्या कह जा रहे हैं आप? ये मैंने अभी इसे ठीक किया था, शांति को कहा तो वो फोन पे लगी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने खुद से किया था। यार मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम, इसीलिए तुमने शांति को यहाँ से घर से बाहर भेजा ताकि तुम्हारे आशिक के आने का रास्ता साफ हो सके। चल रहे देखो, देखो। मुझे नहीं पता ये क्या है। कितना झूठ बोलोगे? कौन है वो जो मेरे जाने के बाद इस घर में आता है?
जिसने तुम्हारे शरीर के निशान तक पता, जिसके साथ देखी गई सिनेमा की टिकटें मुझे इस घर में मिलती, कौन है? परेश यकीन मानो, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल कैसी औरत हो तुम? मेरी बीवी हो तुम, जिसे कभी मैंने बहुत प्यार किया, तुम्हें तो घर से निकाल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। नहीं परेश, परेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। परेश प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। परेश 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 मत जाओ, परेश प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, प्लीज प्लीज परेश सर सर, परेश मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ परेश। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, परेश क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उस पर इतना भरोसा किया, उसके कहने पर तुझसे लड़ाई की, वो नहीं चाहती थी तू हमारे घर आए, और उसे ये सब करते देख। भाई तू दुखी ना हो भाई, भाई तू रोएगा तो मैंने भी रोना आ जाएगा भाई, अरे बिल्कुल ठीक करा भाई कि तू यहाँ आ गया, तारा घर है ये, भाई परेशान ना हो, तू तो आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आया। मेरे भाई गर्लफ्रेंड का फोन है भाई। हेलो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ना, हाँ फोन रख मैं आ रहा हूँ। भाई ये वक्त तो ना है ऐसी बात का, पर 500 रुपए मिल जाते तो मेरा काम बन जाता। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कह रहा ना आ रहा हूँ, इस बार का फोन ना कर, मैं आ रहा ना, वो घर पे आने की कोई जरूरत ना है, हो गया इंतजाम। हाँ फोन रख मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, तू जरा भी परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ भाई, तेरा घर है भाई, तू आराम कर एकदम। 5 मिनट में आया भाई, अभी आया, बस 5 मिनट में आ गया। शांति जैसी लग रही है, ये यहां रमन के साथ क्या कर रही है? तू अपने घर में एक भाई रख ले, नजर रखेगी तेरी बीबी पे। लग रहा पोंदू सो गया, ये बुआ जमा जम। रमन वो बाहर को जिस लड़की से बात कर रहा था, इसे दे रहा था, वो शांति थी ना?
रमन, 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 रमन। मेरे दोस्त ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। रजनी, रजनी घर पे अकेली है। मैंने सोचा अकेली सो रही होगी भाभी, कंपनी देने आ जाऊं। क्या चाहते हो तुम? मैं तने चाहूं भाभी, मैंने पता है यहाँ तक आने के लिए मैंने क्या क्या करना पड़ा। अरे के दिल में शक मैंने डाला। पिक्चर का टिकट और फिर वो चश्मा मन ने भिजवाया था उस शांति के हाथों, और वो बेड पर जो ग्रीटिंग कार्ड रखा था वो भी मन ने ही भिजवाया था उस आदमी के जरिए जो दरवाजे से भाग गया था। सुन लेना तूने सारी राम कहानी। अरे मन का भी बोझ उतर गया, हमारे मन का भी बोझ उतर गया। भाजा भाभी भाजा ये बना कर जरूर छोड़ देगा। रजनी मुझे सब पता चली है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किसी पर भी जानलेवा हमला करना एक संगीन अपराध है, लेकिन रजनी रमन की हत्या नहीं करना चाहती। भयभीत रजनी के पास जब और कोई रास्ता नहीं बचा तब उसने आत्मरक्षा के लिए रमन पर वार किया, लेकिन रमन ने जो अपराध किया वो सबसे संगीन अपराध था, समाज की नजरों में भी और कानून की नजरों में भी। क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है तो सिर्फ उसके शरीर ही नहीं उसकी आत्मा पर भी चोट पहुंचती है, और इसीलिए रमन का अपराध काबिले माफी नहीं था। लेकिन क्या परेश की भूल को कम करके आंका जा सकता है? जिसके साथ पूरा जीवन बिताना था, क्या उस पत्नी की भावनाओं को समझना पति का फर्ज नहीं था? खैर रमन की जान तो बच गई, लेकिन उस पर रजनी की गरिमा भंग करने और बलात्कार की कोशिश करने का अपराध सिद्ध हुआ, और आज वो जेल में सजा भुगत रहा है। रमन का साथ देने के लिए शांति को भी सजा काटनी पड़ी। सावधान हो जाए परेश जैसे पति जो बात की गहराई में जाए बगैर सीधे शक करने लगते हैं और अपने ही हाथों अपने परिवार को उजाड़ डालते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया पाइस बैक। तो सावधान।